मैसेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, इससे पहले कि बजट पे बात की जाए, मेरे हमें ज़रूरी है कि हम देखें कि बजट बनता किसका है। बजट ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का बनता है, और इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है, एज इट इज सेड के दिस इज इरा ऑफ इकोनॉमिक वार। इकोनॉमिक वार की इरा में हम दाखिल हो चुके हैं, और उसके लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुतासर होती है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो हमें बजट बनाने और बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा जोर देने से पहले मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर जो है ज़्यादा तवज्जो दें, और जो अभी हमारा करंट क्राइसिस चल रहे हैं इन क्राइसिस से हम बाहर आएँ, ताकि अभी भी आप पेपर्स के अंदर आप लोग को मीडिया से रिलेटेड हैं, आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जितनी हमारी मार्केट्स हैं, एक्सचेंज मार्केट्स हैं, सारी क्रैश हुई पड़ी हैं, मुल्क की इकानमी का बुरा हाल हुआ पड़ा है। वाई ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग? दिस इज़ हैपनिंग जस्ट ड्यू टू द रीज़न कि मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, टिल टू दैट टाइम आपका अनएम्प्लॉयमेंट, आपका इन्फ्लेशन रेट, आपकी बाकी की चीज़ें, जितने आप बजट्स बना लें, जो कुछ कर लें, मेरे ख्याल में सारा कुछ यूज़लेस है। जितने आप बड़े बड़े शौकत अजीज़ को भी तो आप बुला के ले आए थे ना, बजट्स उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे आपको बना के दिए हैं। तो ज़रूरी है कि हम बजट्स पर डिबेट्स करें या किसी और चीज़ पर, मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि जो करंट क्राइसिस है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, उसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए, देन अपनी डिस्कशन को जो है ना बजट्स और इन बाकी की चीज़ों, मेरे ख्याल में ये सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हवाले से, और जो मुल्क के अंदर अभी इतनी ज़्यादा जो अवाम के ऊपर अगर आप देखें जो करंट क्राइसिस है, उनमें बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है। जो मेरे ख्याल में पिछला मुशर्रफ साहब का ये 10 साल का इरा या 11 साल का गुजरा है, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है, आई थॉट इस टाइम में आया है। और अभी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है पब्लिक का वो बहुत ज़्यादा हाई है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रेट, और ड्यू टू पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो इन चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए बजट के अंदर के जो गरीब अवाम है उसको आपने कितना एक रिलीफ देना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है इट इज़ ऑन इट्स टू हाई। हर चीज़ महंगी, घी महंगा, चावल महंगे, आटा महंगा, आटा कोई नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो घरों में परेशानियां उठा रहे हैं लोग। इसीलिए देखो जी, घर च मैं कमाने वाला बंदा, घर च बच्चे 6-7 खाने ले, वो जिन्ना मर्जी असी कमाई करते हैं ना, घर च गुजारा नहीं हो रहा। हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, आटा तो मिलता ही नहीं किसी भाव ही, जाइदा लैन लग के मिलता है, 23-24 रुपये किलो इतने आटा मिलता है, तो चावल 100 रुपये किलो तो उत्ते है, दालां भी 100 रुपये किलो है, घर का गुजारा नहीं हो रहा। हर तरह की असी कोशिश करते हैं, महीने बाद देखते हैं तो नहीं गुजारा होता। और इतनी महंगाई हो गई है कि उनके कई घरों में मैंने देखा कि पाकों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, हुकूमत को गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरी तो ये राय है कि महंगाई तो पहले से ऑलरेडी है, मैं तो महंगाई से तंग आके पाकिस्तान छोड़ देना चाहती हूँ। आपने कहा है कि आप महंगाई की वजह से मुल्क छोड़ना चाहती हैं, क्या आप बाकी आवाम को क्या कहेंगी कि वो भी मुल्क छोड़ के चले जाएं? जाहिर है हम तो तंग आके जा रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सियासतदान है, वो भी बाहर से आए हुए हैं। सही है, वो आके अपना काम पूरा करते हैं तो वापस चले जाते हैं, सारा कुछ इकट्ठा खा पी के, यही हाल है सबका। तो हम भी जाहिर ऐसे करेंगे, हमने तो मेहनत मजदूरी कर दी है, वहाँ जाके कमाएंगे खाएंगे, अच्छे तरीके से मिलेगी। वहाँ की गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, वो बहुत ज्यादा सहूलियात देती है, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पाके लग रहे हैं लोगों को। यानी सही बात है, जो करोड़ों रुपया खा जाते हैं उनका कोई नहीं, कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, लेकिन अगर किसी ने 1000 रुपये भी ले लिया है उसको ऐसे पकड़ देंगे, उसकी जान ही नहीं छोड़ते। बहुत बुरा हाल है जी, गरीबों का जीना दूभर है। उस बजट से गरीबों ने तौकवाद फिर वाबस्ता कर ली है, आज तक कोई बजट गरीबों के लिए नहीं आया, हमेशा अमीरों के लिए और सरमायादारों के लिए बजट आते हैं। शायद हर दफा उम्मीद होती है कि शायद ये जब बजट गरीबों के लिए आ जाए, दुआ है हमारी, अल्लाह करे, बहरहाल चांसेस तो नजर नहीं आ रहे। मजदूरी काम को मिलता नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, घी भी बहुत महंगा हो गया है, गंदम बहुत महंगी हो गई है, और खर्चा पूरा नहीं होता है, आने वाला वक्त जो है अच्छा नहीं गुजरता, घर पे परेशानी है, गवर्नमेंट गरीबों का ख्याल नहीं करती, तो गरीब खुदकुशी करके मरते जा रहे हैं।